नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एक अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी खबर है। 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थाएं। मुख्य खबरें यहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वक्त की बड़ी खबर है राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क, 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थाएं। यानी कि आप जो पटवारी की, एसआई की, ग्राम सेवक की, आरएस की, किसी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो ये सब खुलेगी 1 सितंबर से। तो आपके पास कुछ दिन है, आप तैयारी कर लीजिए जयपुर जाने की। आपको कहीं जाना है, जोधपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तैयारी करनी है। 12 अगस्त की अभी की बड़ी खबर है, राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय तथा महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं का नियमित संचालन बुधवार 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। तो बड़ी खबर है यहाँ पर, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी खबर है। यानी कि जो 9वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 11वीं और 12वीं वाले जो विद्यार्थी हैं, साथ में नीट की तैयारी करने वाले, जेई की तैयारी करने वाले, जेई मेंस वगैरह की, तो इन सभी के लिए क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउनलोड के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो और क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वहीं पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर के इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप को डाउनलोड। बड़ी खुशखबरी है ताकि इन विद्यार्थियों को यहां पर बड़ी खुशखबरी मिल सके। साथ में जो कोचिंग वगैरह करेंगे उन विद्यार्थियों की, 10वीं 12वीं की कोचिंग हुई और आपके अगली क्लासों की कोचिंग हुई या कंपटीशन की कोचिंग हुई, सब कोचिंगें खुलेगी 50% की क्षमता के साथ। देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश क्या है। राज्य के सरकारी निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालयों कक्षा 9 से 12वीं तक की नियमित शिक्षा गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय महाविद्यालय विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थाओं के लिए आवागमन हेतु संचालन बस, यानी कि आप जिस बस में जाओगे, ऑटो, कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक यानी कि एक डोज, फर्स्ट डोज तो लेना क्या है, अनिवार्य रूप से लेनी होगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर। और क्या अपडेट है, 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियाँ आगामी आदेश तक ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। यानी कि 1 से 8वीं तक की जो क्लासें हैं वह नहीं खुलेगी, ठीक है। 1st से 8th तक की जो क्लासें वह नहीं खुलेगी, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे ये बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर यह जानकारी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, यदि किसी स्कूल वगैरह या फिर किसी भी जो है संस्थान में जो है कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो 10 दिनों तक वो जो संस्थान जो भी होगी वह सब बंद कर दी जाएगी, चाहे कोचिंग संस्थान हो या आपकी 9th 10th वगैरह की क्लास हो, आपकी कॉलेज की क्लास हो, किसी भी प्रकार की कोई क्लास होगी तो वह बंद कर दी जाएगी 10 दिनों तक। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, देर रात की बड़ी खबर थी, आप सभी को विद्यार्थियों को पसंद आई होगी जानकारी। पसंद आई है तो आप इस जानकारी को आगे साझा कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगले अलग ग्रुपों में साझा कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी खबर थी। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए।